हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वयंपाक क्लासेस। आज हम बनाएंगे कद्दू के घारगे। ये पूरी की तरह डिश होती है, जो मीठी पूरी होती है। आप हमारे रेसिपीज ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो आज की रेसिपी शुरू करते हैं, जिसके लिए आपको लगेगा कद्दू, लाल कलर का कद्दू, गेहूं का आटा, रवा, तेल, तिल, इलायची, गुड़ और नमक। सबसे पहले कद्दू को कीस बनाना है छील के। अगर आपको कीस बनाने में मुश्किल हो रही है तो उसे छोटा काट के उबाल ले, एक 5-10 मिनट के लिए उबाल ले, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर एक बर्तन में थोड़ा सा घी गरम करना है। आप थोड़ा सा एक चम्मच घी ले ले तो इसमें स्वाद आ जाता है घी का, तो एक अच्छी खुशबू भी आती है और अलग सा टेस्ट भी आ जाता है। इसलिए उस घी में कद्दू का जो कीस बनाया है या फिर उबालकर जो उसका पेस्ट बनाया है वो मिक्स करना है और घी में उसे अच्छे से गरम करना है। जैसे कद्दू पकने लगे उसमें गुड़ और तिल और इलायची डाल के अच्छे से मिक्स करें, ताकि उसमें गुड़ और तिल अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें घुल जाए। और ये मिश्रण फिर ठंडा करना है एक साथ पकने के बाद। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है सब्जी की तरह, जस्ट उसे थोड़ा हल्के गरम करके मिक्स करना है। फिर ये ठंडा करना है मिश्रण को। जैसे ये मिश्रण ठंडा हो जाए इसका हम आटा गूंथेंगे। आटा गूंथने के लिए कद्दू के मिश्रण में नमक, गेहूं का आटा, रवा डालिए और अच्छे से आटा गूंथिए। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि कद्दू का ही पानी इसमें काफ़ी हो जाता है। जो कद्दू में उसका पानी रहता है, खुद का पानी रहता है, तो इसमें बिना पानी के भी आटा अच्छे से गूंथ जाएगा। अगर आपको तीखा चाहिए तो थोड़ा आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, बट ऐसे ही इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे नरम पूरी की तरह या रोटी की तरह जैसे आटा गूंथते हैं, वैसे ही आटा गूंथना है। और आटा गूंथने के बाद आप इसके छोटे छोटे गोले बनाएं। गोले बनाकर उसके ऊपर तिल लगाना है। अगर तिल नहीं है घर में, खसखस इजीली अवेलेबल है तो खसखस भी लगा सकते हैं। और ऐसे छोटी छोटी पूरियां बेलनी है, जो थोड़ा जाड़ी हो। एकदम पतला करेंगे तो कड़क हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जाड़ा रखना है। ऐसे तिल लगा के पूरियां बेलनी है। अगर आप ऐसे आटा बना के रख भी सकते हैं फ्रीज में 1-2 दिन, तो आसानी से जब भी आपको बच्चों को अगर टिफिन में बना कर देना है तो जब चाहिए इसका पूरी बना के दे सकते हो, घारगे बना के दे सकते हो। ये टेस्ट में थोड़ा मीठा रहता है, इसमें कद्दू का भी स्वाद रहता है। कद्दू के जो विटामिन सी और कद्दू की जो भी अच्छाई है वो भी मिल जाती है। बच्चे सब्जी नहीं खाते तो कद्दू भी में खाने में आ जाएगा इसके बहाने से। और इसे फिर गरम तेल में तलना है। अगर आपको तेल नहीं पसंद तो आप घी में भी तल सकते हैं, तो तेल में। और तो ये घारगे आपके लिए तैयार है, जो मीठी पूरी टाइप में होती है। ऐसे ही हमारे रेसिपीज देखते रहिए और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।